व्हाट इज अप एंड बैक टू द चैनल। तो आज है संडे का दिन, तो बहुत दिन हो गए भाई, बहुत हफ्ते हो गए संडे राइड नहीं की हुए, तो आज जाते संडे राइड पे। मैं और कन्हैया जा रहे हैं, अभी कोई प्लान नहीं, रास्ते में बता दूंगा कुछ बनेगा तो कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं फटाफट से, पहले फ्यूलिंग करवाएंगे और फिर लंबी से 40-50 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट जाएंगे, उससे ज्यादा होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। बहुत देर से मन था भाई, बहुत देर से मन था जाने का, तो आज चांस मिला है तो चल रहे हैं। फिर फटाफट से जैकेट वैकेट पहनते हैं, पेट्रोल भरवाएंगे और फिर से सीधे मिलेंगे कन्हैया और ग्रेटर क्लास। तो भाई ये खड़ी हुई है जीटी, तो भैया का देख के जो भैया टायर खोल रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं टायर वायर खुलेगा इनसे नहीं, तो मैं तो डाउट कर रहा था सीधी बात जो है, मैं इसको देख रहा हूँ साथ वाले को, तो करण भी कहते नहीं खोल लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी इनसे चेंज करवाया है। तुम्हारी यहीं पर बातचीत चल रही थी, पर मुझे क्या पता था कि भाई ये ऑडियो धोखा देने वाला है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जैसे गोप्रो ऑन किया ऑडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ है, बट यहाँ हमारा डिस्कशन चल रही थी कि भैया क्या करें, लेट हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जाने का ओरिजिनल प्लान जैसे मैं बात कर रहा था हमारा वहाँ का था कि सुरिंदर रोड से मानसर से वापस आएंगे, तो इसके बाद तो भाई ट्विस्ट आ गया, तो उसके लिए आगे ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से ये लड़का जोर लगा रहा था, मुझे लगना नहीं रहा था कि ये टायर वायर खोल पाएगा, बट इवेंचुअली मतलब कर खुर के ये इसका जिसकी भैया की दुकान थी वो आए और टायर वायर तक खोल लिया हमारा। कोई लगा लो यहाँ पे आधा आधा घंटा 45 मिनट्स वेस्ट हुए, बट उसके बाद हम तो फटाफट से निकल गए थे। तो भाई रक्षित भाई आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, हाँ चल ठीक है जा रहे हैं, थोड़ी सी हाँ चलो फिर निकले। मैं इधर चौक में वेट कर लूंगा ना, आप चलो चल रक्षु ठीक है। तो भाई मौसम हो गया बहुत सही, आधा पौना घंटा वेस्ट हुआ यहाँ पे, रक्षु से गपशप लग गई हमारी, पास में घर है रक्षु और करण भैया का, करण भैया वो जा रहे हैं भाई, क्या सही लगती है जीटी जाते हैं वैसे। तो ऑलरेडी भाई हमारा टाइम वेस्ट हो गया, मौसम बहुत सही हो गया यार निकलने से पहले ही। ये आए भैया साइड दे दो आप, तो ये ग्रेटर क्लास का ये पैच तो कभी नहीं बना, कभी नहीं बना, जब भी आता है हमेशा टूट जाता है यहाँ पे। तो करण भी आ गया लेफ्ट पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल करवाने फिल, तो मैंने तो करवा रखा रास्ते में जैसे आप लोगों ने देखा, पर क्या मजा आया यार निकलते पहले पंक्चर। चलो ये बीटी पहली खत्म हो गई, तो यहाँ कर लेते हैं वेट। फाइनली ऑन द रोड, हम जाएंगे सुरेंद्र वाली साइड, वहाँ से अगर मन किया तो मानसर वाली साइड से वापस आ जाएंगे, पर मौसम वैसे कि रास्ते में बारिश ना ही हो तो अच्छी है। भाई बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम यार सही हो रखा है, मतलब आधा पौने घंटे पहले निकलते ना तो गर्मी वर्मी भी थी, पर अभी तो कुछ भी फील नहीं हो रहा यार। बस ऑडियो आ रहा हो यार, चलो हाँ हाँ मैं पीछे ही था, चलो भाई सिद्धरा पहुंच चुके हैं, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता है। गोप्रो की मेरी बैटरी ज़्यादा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 70-80% पे मैं लाया था, जितना रिकॉर्ड हो पाया दिखाऊंगा, नहीं हो पाया तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, बट राइड में बहुत मज़ा आ रहा है और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है।
तो भैया मेरे को लग रहा है कि टूरिंग वूरिंग के लिए जा रहे हैं, कैंपिंग के लिए पूरे गियर अप हैं। सुरेंद्र रोड चल, तो इस प्लान बन गया नेस्के, फिर आगे कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं पहले। वाइल्ड राइड के लिए सुरेंद्र रोड पे, तो भाई मौसम ऐसे डरावना हो गया ना, अभी हम निकले भी नहीं है, अभी डेस्टिनेशन में लगा लो 1/4 भी नहीं किया है, और घर से मेरे को पहले फोन आ गया कि मौसम खराब हो गया, बच्चे कहाँ पर है। मैंने बोला चलो निकल गए तो निकल गए, अब रास्ते में बारिश होगी तो गोप्रो डाल देंगे अपना पॉकेट में और चलते रहेंगे आगे की तरफ। ओहो बारिश शुरू होगी, पहली बूंद पड़ी मेरे पे, तो यहाँ से 4 लेन का काम चल रहा है, पूरी मिट्टी मिट्टी है, मुझे लग रहा है कि गोप्रो निकाल के रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश यहीं से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ज़्यादा लीन वीन किया क्योंकि साइड पे मैं कह रहा हूँ रुक जाओ करण भैया को। देख लो बारिश यहीं से शुरू हो गई है। हाँ फिर नगरोटा कहाँ से आएंगे, नहीं चलते यहीं पे सुरेंद्र से आ जाएंगे, जो लेक पहली वाली लेक आती है वहाँ से आ जाएंगे। वो कितनी 30 किलोमीटर होगी, उतना ही पड़ेगा आगे भी। उधर ही चलते हैं यार, यार वो सीधा सीधा होगा यार, फिर क्या करेंगे। चलो फिर घुमा लो, मिलेगा मेरा वाला हैंग हो गया गोप्रो, उतार ले हैं। चलो जाने दो, हैंड में हो गया चेंज, अपन लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि ये दूर हो जाएगा, 4 लेन है, साथ में बारिश, रिस्की रूट हो जाएगा, तो अपन लोग आगे जा रहे हैं स्ट्रेट रूट पे नगरोटा वाली साइड। देखते हैं, बारिश काफ़ी तेज हो गई, मैं लेंस साफ कर लेता हूँ अभी तो। तो यहाँ फंस चुके हैं बारिश में, तो आज तेरा भाई संतरा बनाएगा, संतरा का जूस बनाएगा। तो ये काट के रखा हुआ यार भैया, एक दे दो, हाँ कर लेंगे। काटने वाला नहीं है यहाँ पे, है ना, वो रखा। काटने वाली तो चली गई, काटने वाला तो बहुत मिलते तो यहाँ, और ये बहुत सारी बारिश, तो यहाँ पे रुक गया था बाइक से लगा के, प्लान हमारा आगे का था बट क्या कर सकते हैं।